हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गणपति राम, आपका दोस्त एंड होस्ट। टुडेज आई एम शेयरिंग विद यू माय 300 बुक्स जो कि मैंने लास्ट कुछ सालों में पढ़े हैं अपने स्कूल एंड कॉलेज डेज में। उन 300 बुक्स की सारी लर्निंग मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो आप सब नोट्स बनाते रहें और नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि और लोगों का भी फायदा हो। सो लेट्स स्टार्ट। इस 300 बुक्स की मैं सारी की पॉइंट्स आपको बताऊंगा। अगर जो मैंने रिपीट करा तो समझ लेना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी बुक्स में इंक्लूड हो रहा है। और ये सारी मैंने न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर्स बुक्स ली जो मैंने कुछ सालों में पढ़ी। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। सो आपको, आप जो भी काम स्टार्ट करो तो आपको वो फिनिश करना है। और एक दूसरी बुक है हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक का मेन मतलब है कि आप दोस्त बनाओ। देखो, बहुत सारे लोग दोस्त नहीं बनाते तो ये प्रॉब्लम है। दोस्त आपकी लाइफ में हर चीज़ में मदद करते हैं, तो आपके पास दोस्त होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स। अच्छा, आपको एक बुक है जॉन सी मैक्सवेल की, उस बुक का मेन थीम है हाउ टू सक्सेसफुल पीपल थिंक। देखो, सक्सेसफुल पीपल जैसे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, इलोन मस्क, जेफ बेजोस, कैसे वो सोचते हैं, तो आपको उन लोगों की तरह सोचना। तो सबसे पहले आपको उन सक्सेसफुल लोगों के साथ आपको होना चाहिए। एक बुक है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। देखो, कैसे छोटे छोटे हैबिट्स आपको बड़े रिजल्ट दिलाती हैं, जो कि जेम्स क्लियर अपनी बुक्स एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं। देखो, आप सबको आना चाहिए कि हाउ टू टॉक्स विद एनीबडी, क्योंकि हम लोग को अच्छे से बात ही करने नहीं आती और इसका बहुत डिसएडवांटेज होता है। तो आप सबको अच्छे से बात करना आना चाहिए। Why has nobody told me this before? देखो, एक बुक है जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। इसके अंदर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपको सक्सेसफुल बनाता है, जो कि जोसेफ मर्फी कहते हैं। देखो, एल्केमिस्ट बुक है। हम जो गोल्ड ढूंढते हैं वो कभी कभी अपॉर्चुनिटी जो देखते हैं वो अपने आस पास नहीं देखते। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास ही है पर हम उसे देख नहीं पाते। हमारे आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो हम देख नहीं पाते, हम दूर जाते हैं। तो आपको ये ढूंढना है कि आपके आसपास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। एक बुक है अंकुर वारी की डू एपिक शीट, सो ये ज़रूर आपको पढ़नी है। इसके अंदर आपको टाइम के बारे में और मनी के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएगी। अंकुर वारी को सर ने बनाई है। देखो, आपको कम्युनिकेशन अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, देखो, आपको फोकस एक ही चीज़ में अच्छे से करना है, तभी आप बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। देखो, मास्टर योर इमोशंस। इसका मतलब क्या? अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे राकेश झुंझुनवाला है, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स या सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उनको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल है, तभी वो अच्छे से अपने डिसीजंस को ले पाते हैं। देखो, डू इट टुडे, एक बुक है डू इट टुडे, तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि आपको कैसे जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो तुरंत करो, ना कि उस काम को टालो। देखो, एक बुक है द फर्स्ट मिनट, उसके अंदर ये बताया जाता है कि आपको कैसे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लो जो एक मिनट का काम है, वो उसको तुरंत करो। जैसे कोई मैसेज करना, कोई ईमेल करना, तो आप उसे तुरंत सेंड करो। देखो, एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर ये बताता है कि आप वॉरेन बफेट ने 99% जो भी वेल्थ क्रिएट करी है वो अपने 15 बर्थडे के बाद करी है, और आप जॉब से कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जॉब से आप एक अपनी लाइफस्टाइल जी सकते हो पर आप उतने अमीर कभी नहीं बन सकते। देखो, एक बुक है हाउ टू बिकम ए पीपल मैग्नेट, तो इसके अंदर ये बताना चाहता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी करिश्मेटिक हो कि लोग आपसे अट्रैक्ट, जैसे नरेंद्र मोदी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, सब लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। विराट कोहली की जैसी पर्सनैलिटी, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, प्रियंका चोपड़ा की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए। देखो, एक बुक है एवरीथिंग इज एफ बाय मार्क मैंशन। दिस इज द अमेजिंग बुक, आई रीड दिस इन माय कॉलेज डेज। सो इसके अंदर क्या बताया है कि हम जो टीन एज होते हैं या जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो आपको इस चीज़ों में टेंशन नहीं लेना। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ों में टेंशन ना लें। देखो, जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी हर चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो आप ये मत बोलो कि हमारे पेरेंट्स हमसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। सो आपके पेरेंट्स को भी सारी चीज़ों नहीं पता है।
देखो एक बुक है थिंग्स दैट नो वन टीचर्स। देखो आपको क्या, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपको पैसे को मैनेज करने आना चाहिए। आपको देखो जितने भी जो लड़के हैं वो लड़के वीक महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से फाइट करने नहीं आती, इसलिए वो बहुत वीक महसूस करते हैं। तो आपको एक्सरसाइज, अपने बॉडी को मेंटेन करना है, और आपको मार्शल आर्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, या आपके जो साथ है उन्हें भी आप प्रोटेक्ट कर सको। और देखो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये जल्दी सोचो कि आप टीन हो या बड़े हो या एडल्ट हो, तो आपको बिजनेस तो स्टार्ट करना है। क्योंकि जितने भी जो वर्ल्ड वाइड जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस मैन है या जो रिच पर्सन है या जिसको भी आप फॉलो करते हो क्रिकेट, वो सब अपना बिजनेस करते हैं। बुक है राजीव कपूर की, उसके अंदर बोला चेस ग्रेटनेस। तो इसके अंदर क्या है, आपको ग्रेटनेस हासिल करनी है किसी भी स्किल पर। आपको देखो एक रूल होता है 10,000 रूल, अगर आपने किसी भी काम को 10,000 आवर्स दिए हैं तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो। तो आपको ये ढूंढना है कि आपको आप किस चीज़ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। देखो गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ्स, अगर तो आप उन्हीं लोगों के साथ रहो जिसकी जो वाइब्स है बहुत अच्छी है। नेगेटिव वाइब्स नेगेटिव लाइफ, सो आपको उन लोगों के साथ रहना है जिसकी गुड वाइब्स हो और आपकी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए। देखो आपका जो एटीट्यूड है वो क्या सुपर पावर है, तो आपको अपना एटीट्यूड अमेजिंग रखना है और आपको हमेशा समझना है कि आप पावरफुल हो या बनोगे। एक्सरसाइज करोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपका सोशल स्टेटस मेंटेन रहे। देखो एक बुक है इनोवेशन। देखो हम लोग है क्या, हम मंकीज हैं, तो हमने कैसे इनोवेट करा। जैसे अभी देखो अभी तो जैसे वेब आ रही है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, AI, कुछ 100 सालों में और भी चेंजेस आने वाले इनोवेशन में। और इनोवेशन के साथ ही आप अपने बिजनेस को भी ग्रोथ कर पाओगे, जैसे कि पीटीएम, जितने भी जो है इलेक्ट्रिक लोन मार्क, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ये अपने इनोवेशन के साथ अपने बिजनेस को जोड़ते हैं तभी ग्रोथ कर पाता है और इसे सोसाइटी भी डेवलप होती है। देखो ईगो इज योर एनिमी, इसका मतलब क्या, जो आपका घमंड है वो आपका क्या है, एनिमी। जैसे रावण इतना बुद्धिमान इतना शक्तिशाली होने के बाद भी उसके घमंड ने उसकी जान ले ली, तो आपको कभी भी ईगो नहीं रखना। स्टीव जॉब्स का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है, एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो आपको वैसा आपको भी अपने बिजनेस में क्या करना है, मार्केटिंग अपने आप अपने माइंड को आपको क्या रखना है, ऑर्गेनाइज रखना बिल्कुल सिस्टमेटिक। आपको मॉर्निंग में क्या करना है, जैसे जिम जाना है, इवनिंग में क्या करना, मतलब दिन में क्या करना है, जॉब बिजनेस वट एवर यू आर डूइंग, सो ऑर्गेनाइज रखो, एक डायरी बनाओ मेंटेन करके, जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है उस डायरी में लिखो ताकि आपको ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। चेक अपने डायरी करा या गूगल डायरी मेंटेन करी। देखो आपका मार्केटिंग कैसा होना चाहिए, एक पेज में सिमट जाए। जैसे हम यूट्यूब पे थंबनेल लगाते हैं वो सिर्फ एक पेज में, जैसे कोका कोला की जो मार्केटिंग है कितनी अमेजिंग है आप सब जानते हैं। अच्छा एक बुक है पीटर लिंच की लर्न टू अर्न, तो आपको क्या, आपकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट जो भी आप कमाते हो वो आपके लर्निंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखे हो। देखो गैरी वी जो सर है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर, वो हर चीज़ में है, इंस्टा ट्विटर लिंक्डइन व्हाटएवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और ये बहुत सालों से काम करते हैं, अमेजिंग। तो अगर आपको आज के युग में अमीर या पावरफुल या कुछ भी अचीव आप करना चाहते हो तो आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होने चाहिए, दिस इज अमेजिंग। देखो एक बुक है हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर, जिसे लिखा है स्टीवन ने। देखो इसके अंदर क्या पता, जो मिलियनेयर थी मोस्टली के पास एसेट्स होते हैं, वो उनके पास बिजनेस होता है, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपको भी ये सारी चीज़ें करनी है। देखो एक बुक है मास्टरी, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने, तो उसके अंदर क्या, आपको अपनी सारी चीज़ें किसी को नहीं बतानी ना शेयर करनी है ताकि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको ये कभी नहीं दिखाना कि आप कमज़ोर हो, बेशक आप कमज़ोर हो पर ये कभी भी दूसरे लोगों को ये मत दिखाओ कि आप कमज़ोर हो, सो बी स्ट्रॉन्ग। और अपनी सीक्रेट्स कभी भी मत बताओ, बेशक वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, अगर आपने उसे अपनी सारी सीक्रेट्स बता दी तो ये आपको आगे चल के नुकसान दे सकता है आपका दोस्त। देखो डेव रैम्सी अमेजिंग फाइनेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने लिखा है टोटल मनी मैक्स के अंदर क्या बोलते हैं, आपको डेप्थ नहीं लेना, डेप्थ का मतलब आपको कर्जा नहीं लेना। आपकी लाइफ में हर चीज़ें कंपाउंड होती हैं तो आपका खुशी भी कंपाउंड होती है,
आपका हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस सारी चीज़ें क्या होती है, कंपाउंड। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लगभग सारी चीज़ों में फेल होते हैं। जैसे कि आप टॉप 10 की लिस्ट में जाओगे तो जितने भी जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मुकेश अंबानी, अडानी, इलोन मस्क, जेफ बेजोस, ये सारे क्या है, फेल होते हैं, पर फिर भी वो बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव करते हैं, बिकॉज उनका जो माइंड सेट होता है वो बड़ा होता है। वो सारी चीज़ों में फेल होने के बाद भी जीत जाते हैं क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। और हम क्या, हम नॉर्मल लोग, हम मिडिल क्लास लोग क्या रिस्क नहीं लेते? देखो, जो ऑब्स्टिकल होना ज़रूरी है आपकी सफलता की रास्तों में। देखो, आपको योगा वगैरह तो करना चाहिए, इससे माइंड बहुत शांत रहता है। एक लाइफ का करुआ सच है डेथ, जो कि सदगुरु ने अपनी बुक डेथ एंड इनसाइडर पे खूबी बताया है। देखो, आपकी लाइफ सिर्फ 70 से 75 से 80 साल तक है, तो आप अपनी लाइफ के सारे, आप देख लो आपने अपनी लाइफ का कितना परसेंट जी लिया। मेरी एज है 20+, नॉर्मल मान लो कि लोग 80 साल जीते हैं, तो मैंने अभी भी 25% अपनी लाइफ जी ली है। सो आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को करनी है लाइफ में, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना किसी भी अननेसेसरी चीज़ों में। आप जैसे लोगों से बात करते हैं, वो लोग या बिजनेस में या इंटरव्यूज में, तो लोग आपको एक मिनट के अंदर ही जज कर लेते हैं आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। सो मेक योर पर्सनैलिटी बेटर। देखो, एक बुक है द सीक्रेट, इसके अंदर बताया गया है कि आप अफर्मेशन के जरिए कैसे चीज़ें पा सकते हैं, लव, हेल्थ। और एक दूसरा पॉइंट इसका ये भी है कि अफर्मेशन के साथ आपको एक्शन भी लेना है। एक्शन के बाद ही आपका अफर्मेशन, पहले अफर्मेशन करनी है फिर आपको एक्शन लेना है, एक्शन के बाद ही आपको अचीव होगा। एक बुक युवल नोह हरानी ने लिखा है सीक्रेट, दिस इज द अमेजिंग बुक, एंड आप सभी को ये बुक्स पढ़नी चाहिए। एक बुक है होमो डियस, भविष्य में लोग या मानव कैसे रहेंगे। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज है, सो आपको ये होमो डियस की युवल नोह हरानी जरूर पढ़नी है। इसके बाद आप भविष्य को देख समझ पाओगे कि भविष्य कैसे है, भविष्य के मानव कैसे हैं, दे आर मोर स्मार्ट, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, इनोवेशन ज़्यादा होगा, लाइफ जिएंगे भी ज़्यादा, लाइक सुपर ह्यूमन, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो आपको ये सोचना है कि आप थिंकिंग, देखो जितने भी लोग हैं जो अपनी टीन एज या यंग एज में, वो उनका जो थिंकिंग है बहुत क्लियर नहीं है, तो आपको थिंकिंग, आपका जो थिंक है वो बिल्कुल क्लियर रखना है। या आपको किससे शादी करनी है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, तो थिंक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो, जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो माइंड के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं या सफल लोगों के साथ रहते हैं या कुछ बेचते हैं या ना ये सारी चीज़ें करते हैं, बाकी वो होते बिल्कुल हमारी तरह है। देखो, एक बुक है बहुत अमेजिंग है जो रेड डेल्यू सर ने लिखी है, प्रिंसिपल्स। सो आप सभी को ये पढ़ना चाहिए, दिस इज़ अमेजिंग बुक। देखो, एक बुक है पावर ऑफ नाउ पे जीना, ना कि पास्ट में ना कि फ्यूचर में। देखो, हम जो रहते हैं हम काफ़ी स्ट्रेंज लोगों के बीच में रहते हैं, द पीपल्स आर वेरी स्ट्रेंज, उन सब का बिहेवियर बहुत अलग अलग होता है, तो आपको लोगों का बिहेवियर जानना है और उनसे उन्हीं की प्रकार की बातें करनी है, समझ रहे हो? सो फर्स्टली लर्न पीपल्स बिहेवियर, देन टॉक लाइक देम, तभी लोग भी आपको पसंद करेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी कहोगे और अपने सामने वाले की नहीं सुनोगे तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। एक बुक है काइजान, तो उसके अंदर क्या बताएगा, आपको 1-1 स्टेप लेने हैं और अपने करियर में आगे बढ़ना, पॉजिटिव स्टेप होने चाहिए, ग्रोथ की तरफ जो आपको ले जाए। आपको ना, देखो, जो भी चीज़ें ओरिजिनल होती है, जैसे कोहिनूर ओरिजिनल है एक ही पीस है, तो जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और चीप चीज़ों की डिमांड कम होती है। देखो, आइंस्टाइन का एक कोट है बहुत अमेजिंग, वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि आपको जिस चीज़ में भी, जैसे एक मच्छी है, अगर उससे हमने बोला पेड़ पे चढ़ने के लिए तो क्या वो चढ़ पाएगा, वो स्टूपिड है, पर अगर हमने किसी बंदर को बोला पेड़ पे चढ़ने के लिए वो तुरंत चढ़ जाएगा। मेरा मतलब बताने का ये है कि आप वही चीज़ करो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आपने मास्टरी हासिल कर रखी है, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। आप आइंस्टाइन को साइंटिस्ट के अलावा या यूनिवर्स को स्टडी करने के अलावा कुछ और पढ़ाया जाता है, तो क्या वो उनमें जीनियस बन पाते हैं? नहीं। तो आप जिस चीज़ में अच्छे हो आपको वही करना है। देखो, एक बुक है एडम ग्रेंट, गिव एंड टेक। देखो, आजकल की जो सोसाइटी है वो ज़्यादातर क्या है, टेकर है,
तो आपको क्या बनना है? गिवर। देखो एक बुक है एक इकाई, तो आपको अपने लाइफ का एक इकाई फाइन करना है, आपका पैशन क्या है, आप व्हाई यू आर अ बर्न इन दिस वर्ल्ड। सो आपका एक इकाई पता होना चाहिए आपको, ताकि आप खुश रह सको अपनी ज़िंदगी में। देखो हाउ टू रीड बुक्स, देखो बुक्स आप लोग के मन में ये ख्याल आता होगा कि मैंने इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ी, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि आपको भी वही बुक्स पढ़नी है जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में सिलेबस वाली बुक्स पढ़ते हैं, बेशक हमें वो पसंद है या नहीं है, पर हम फिर भी पढ़ते जाते हैं। सो एक नॉवल रविकांत का भी है कि आपको वही बुक्स पढ़नी है जो आपको पसंद है और आप पैशनेट हो, तो वो बुक्स पढ़ो। अगर आपका मन नहीं लग रहा है उस बुक्स में तो आप छोड़ भी सकते हो। देखो कैसे फील नाइट ने नाइकी को ब्रांड बना दिया, उन्होंने कैसे बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं उनको क्या अपनी शूज दी, मार्केटिंग करवाई, तभी नाइकी वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हो पाया। देखो एक बुक है $100 स्टार्टअप, फायर योर बॉस, डू व्हाट यू लव एंड वर्क बेटर टू लिव मोर। इसका मतलब क्या, आपको अपना कुछ भी $100 या $1000 में जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो आपको स्टार्ट करना है। द थिंकिंग बिग, देखो आपको बड़ा सोचना है, बिल्कुल मतलब सक्सेसफुल लोगों की तरह। आपको जो माइंडसेट है वो आप अपने माइंडसेट पे फोकस करो, क्योंकि आपकी माइंडसेट में बहुत पोटेंशियल है कि आपके लाइफ को इम्प्रूव करें। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसके अंदर क्या बताता है, पर्सनल फाइनेंस, तो आपको पर्सनल फाइनेंस सीखनी है। स्वामी विवेकानंद ने एक बुक लिखी थी बिलीव इन योर सेल्फ, तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। जॉन सी मैक्सवेल की बुक है मेक टुडे काउंट, तो आपको हर रोज अपना काउंट करना है, अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। देखो मेन सर्च फॉर मी, आजकल क्या लोगों को पता नहीं कि उनको लाइफ में क्या करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक अमेजिंग बुक है रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई। सो लोग ना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते, जब आप मरो तो लोग आपके पीछे रोने वाले हो, ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करो। देखो स्टील लाइक आर्टिस्ट, तो देखो जो भी सक्सेसफुल, जैसे जो पेटीएम है, जोमैटो है, ये सब कॉपी की गई है सक्सेसफुल, तो आपको ऐसे ही कॉपी करना है बिल्कुल आर्टिस्ट की तरह और अपने बिजनेस में यूज करना है। देखो आज क्या है, कैल न्यूपोर्ट की एक बुक है डिजिटल मिनिमलिज्म, तो इसके अंदर क्या बताया जाता है, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, लैपटॉप, चार्जर, फ़ोन, स्मार्टफोन, स्कूटी, कार। आपको मैंने फिर से बताया, आपको अपने लाइफ का एक ही गाई फॉलो करना है, मतलब पैशन, जो भी आप पैशनेट हो जिस काम से। पावर ऑफ हैबिट्स, तो आपको हैबिट्स को अपनी रखनी है। एक बुक है जे शेट्टी की थिंक लाइक मॉन्क, सो आप इनका पॉडकास्ट भी ज़रूर देखें। देखो लोग क्या खेलते हैं, आपके पास स्टेटस गेम प्ले करते हैं, स्टेटस, गाड़ी, बंगलों के साथ, तो आपको ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी, आपको अपने वेल्थ को क्रिएट करना है। देखो एक अमेजिंग बुक है बेंजामिन ग्रैहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो ये बुक्स जरूर पढ़ें। एक बुक है द वन थिंग, तो इसके अंदर जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जरूर करनी है सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है दिन का वो सबसे पहले करो। ये कौन बताते हैं, ब्रेन ट्रेसिंग। और एक ही कंपाउंड इफेक्ट पूरी आपकी लाइफ में काम करती है, आपके सक्सेस में, आपकी इनकम में, आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज में। देखो आपको ना पब्लिक स्पीकिंग तो आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग मतलब कैसे बोला जाता है पब्लिक स्पीकिंग, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आप बोल सकें। देखो व्हाई वी स्लीप, स्लीप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, तो आपको अच्छे से 7 से 8 घंटे सोने हैं, ताकि आप जैसे कि जेफ बेजोस एंड अमेजोन के फाउंडर भी करते हैं, वो 7 से 8 घंटे रेगुलर सोते हैं, तो आपको भी अच्छे से नींद, ताकि आप लाइफ में और प्रोडक्टिव हो पाओ। देखो एक बुक है अमेजिंग थिंक एंड ग्रो रिच, तो आपको पहले अच्छा सोचना है, फिर एक्शन लेना है, फिर उसके बाद अचीव करना है। देखो एक बुक है अमेजिंग बुक है पर्सनल एमबीए, जिसे लिखा है जोस कैफ़ेन ने, इसके अंदर क्या बताता है, इसके अंदर बताता है कि आपको मार्केटिंग आना चाहिए, आपको फाइनेंस आना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, आपको सेल्स आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट बिल्डिंग आनी चाहिए। तो ये सब पर्सनल एमबीए बुक में है, तो अगर ये बुक्स आपने पढ़ी तो आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं है। एक बुक है मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वेनस, आजकल के जो हम लोग हैं तो हम लोग फीमेल्स को समझ ही नहीं पाते कि लड़की चाहती क्या, फीमेल चाहती क्या, आपकी वाइफ क्या चाहती है, आपकी गर्लफ्रेंड क्या चाहती है, तो उनके पर्सपेक्टिव से आपको समझना है। देखो आपका माइंड ना
मनी को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, तभी आप लाइफ में सफल या सक्सेसफुल बन सकते हो। और आपको अपनी हिस्ट्री से सीखनी है जो पास्ट में बीती है और उसको इम्प्रूव करना है और कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहना है। एलोन मस्क क्या है, इस सदी के सबसे स्मार्टेस्ट लोगों में से एक है, जिन्होंने स्पेसएक्स, टेस्ला, जो अपने फ्यूचर को बदल रहे हैं और बहुत तभी दुनिया के नंबर वन अमीर या रिचेस्ट पीपल में से आते हैं। जितना बड़ा उनका इम्पैक्ट होगा उतने ज़्यादा वो पैसे भी कमाएंगे, और अभी उन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया है। देखो, आपके अंदर द करेज टू बी डिसलाइक होना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल हो तो कुछ बहुत सारे लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी लोग आपको पसंद ही करें। देखो, जेफ बेजोस क्या है, इन्वेंटर है, तो उनकी तरह आपको इन्वेंट करते जाना। देखो, व्हाट दे डोंट टीच एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, क्या क्या नहीं सिखाते, आपकी इमोशन, आपका डिसीजन मेकिंग, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रोथ, हर चीज़ें ना हार्वर्ड सिखा पाता है ना स्टैनफोर्ड। देखो, एक बुक है ओम स्वामी ने लिखी है, द बिग क्वेश्चन इज लाइफ। देखो, लाइफ के सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन क्या है, आपके मैरिज, आप किस स्कूल में जाते हो, आप किस कॉलेज में जाते हो, आप किससे शादी करते हो, आप कहाँ रहते हो, ये सब क्या आपके लाइफ के सबसे बड़े क्वेश्चन हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है लाइफ में। देखो, एक बुक है ई मीथ, तो इसके अंदर क्या बताया, स्मॉल बिजनेस के बारे में, कैसे आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर सकते हो, ताकि अपने बिजनेस को कैसे आप ग्रो कर सकते हो, मार्केटिंग करके प्रोडक्ट बना के प्राइस कम पैसों में। एक अमेजिंग ऑथर है साइमन सिनेक, तो उसने ये बताया कि आपको स्टार्ट विद वाई, आपका एक रीज़न क्लियर होना चाहिए लाइफ में कि आपको क्या करना है, आपके पास वाई होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को आगे तक कर पाओगे। अगर आपको पैसे नहीं भी मिलते हैं, अगर आपकी लाइफ का वाई क्लियर होगा तो आप लाइफ में और भी सारी चीज़ें आसान जल्दी से अचीव कर पाओगे। देखो, आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी है अच्छे से, आपको डाटा फैक्ट्स के बाद ही उसी चीज़ों को डिसीजन लेना है, तो डिसाइड करना है, ताकि आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो। और देखो, आपको स्मार्ट वर्क करना है, द 4-hour work week, मतलब बिल्कुल इंजॉय करना है, ना कि हमेशा जॉब ही जॉब में लगे हैं, लाइक बिजनेस की तरह करें। वॉरेन बफेट क्या है, एक बिल्कुल अमेजिंग इन्वेस्टर है, तो आपको वॉरेन बफेट से भी बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग टिप सीखनी है। आपको कैसे बोलना है, टॉक लाइक टेड टॉक्स। देखो, बहुत लोग क्या बहुत चिंता लेते हैं, तो आपको क्या करना है, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिंदगी जियो, ना कि चिंता लो, ना कि टेंशन करो। देखो, आपकी छोटी छोटी आदतें क्या आपकी लाइफ को बिल्कुल बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तो आपकी छोटी छोटी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए। देखो, आपको जस्ट की बाइंग करना है, क्या क्या बाय करना है, एसेट्स करना है, प्रॉपर्टीज करना है, रियल इस्टेट करना है, किसी कंपनी की शेयर परचेज करने, इक्विटी लेने, ये सारी चीज़ें क्या आप करनी है, बाय एसेट्स को बढ़ाओ ताकि आपकी वेल्थ भी बढ़ती जाए। देखो, आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है, अपने पैसे को मैनेज करना है, अपने लव लाइफ को मैनेज करना है, सोसाइटी को मैनेज करना है, अपने पेरेंट्स को मैनेज करना है, आपको अपने माता पिता को अच्छे से उनके आदर सम्मान करना है, लोगों को भी मैनेज करना है, आपको अपने काम को भी आपको मैनेज करना है, आपको डीप वर्क भी करना है, इनोवेशन भी आपको करनी है, और अपनी जिंदगी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपको क्या क्या लाइफ में करना है, और बुक्स भी पढ़ना है आपको, और आपको करेज भी लेना है। करेज मतलब क्या, कॉलिंग लेना है, जिसने बड़े बड़े जो जितने भी एंटरप्रेन्योर से बिजनेस में निकाल लेते हैं वो करेज लेते हैं। देखो, और एक बुक है द थर्ड डोर, जिसे लिखा है एलेक्स ने, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो अगर दो दरवाजे बंद होते हैं, तीसरा दरवाजा जरूर खुलता है, वो किसका होता है, अपॉर्चुनिटी का। और आपको वैसे दोस्त रखते हैं जो सिर्फ मनी की बात करें, मतलब पैसे की भी बात करें, मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इन सब की, ना कि वो मूवी देखने चल रहे हैं या कहीं चल रहे, तो ऐसी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। देखो, थिंक लाइक मैन, इसका मतलब क्या है, लाइक ये नहीं कि कुछ भी सोच रहे हो, लाइक थिंक लाइक मैच्योर मैन। देखो, जो अमेज़न है दुनिया में क्या, वो सब कुछ बेचता है ना, सब कुछ बेचता है, द एवरीथिंग स्टोर। तो आपको भी कुछ, अगर आप सब कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो बेचो ताकि आप पैसे कमा पाओ, कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, तो आप लाइफ में बेचते रहें, और आपको अप्लाइड रहें, अप्लाइड
पोलाइट होकर लोगों से बात करना है। देखो हाउ नॉट टू डाई, अगर आप कभी नहीं मरोगे अगर आप अपने अपनी वीडियो क्रिएट करते हो या कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करते हो तो आप कभी नहीं मरोगे। जैसे दिलीप साहब हमेशा जिंदा रहेंगे, तो आपको लेगेसी बनानी है। देखो आपको आर्ग्यू नहीं करना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमीर कैसे बने एसेट्स लेकर, ये सारी चीज़ें लेकर, और आपको क्या लाइफ में खुश भी रहना है। देखो अभी क्या नेटफ्लिक्स कल्चर है, हर चीज़ें बिकती है, तो नेटफ्लिक्स रीड हैस्टिंग ने क्या करा, नेटफ्लिक्स को लॉन्च करा। तो आपको भी कुछ ना कुछ लाइफ में लॉन्च करते रहना चाहिए, बीच में आना चाहिए आपको। आपको अपनी लाइफ का गोल पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको ये भी करना है कि सक्सेसफुल लोग कि उनकी आदत क्या होती है, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे अमीर बने, हाउ टू बी रिच। देखो जो भी आप अट्रैक्ट करोगे वो आप लाइफ में अचीव भी कर पाओगे अगर आपने उसके लिए एक्शन लिए। देखो जितने भी जो बड़े बड़े जो फाउंडर्स हैं, जो सीईओज हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जिन्होंने पेपाल स्टार्ट करा वो कहाँ पे रहते, सिलिकॉन वैली में। तो आपको भी कहाँ पे रहना है, स्मार्ट जगह में, जैसे इंडिया में क्या है बेंगलुरु है, ऐसी ऐसी जगह है, तो वहाँ पे जाते हो जहाँ पे स्मार्ट लोग रहते हैं। तो देखो स्कूल में ना मेरे बहुत कम दोस्त होते थे, तो कॉलेज में आके मैंने चेंज कर दिया, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। एक बुक है तो आपको भी जरूर पढ़नी है, हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल, जिससे वॉरेन बफेट को भी पढ़ी थी, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। देखो मेक योर ओन लक, इसका मतलब क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी को लेती जानी है, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है, स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो आप क्या अपने लक को या अपनी किस्मत को खुद बनाओगे। आपको अगर फ्यूचर बदलना है तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तो एक अमेजिंग बुक है बिल ब्रिसन की, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, मतलब स्टार्टिंग से अर्थ की हिस्ट्री टू स्पेस, टाइम ट्रेवल, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, तो आपको जरूर पढ़ना है। देखो एक बुक है मेल रॉबिन्स की, द 5 सेकेंड रूल, तो इसके अंदर क्या, अगर आप टेंशन में हो या किसी प्रॉब्लम में हो तो एक लंबा ब्रीथ लो और 5 सेकेंड के लिए वेट करो, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे, तो आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे। देखो अगर आपको सफल बनना है तो आपको क्या, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लाइफ में, तभी आप सफल होगे। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो भी आपकी क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यूट्यूबर हो तो अपलोड करते जाओ वीडियोस, कंसिस्टेंसी, तभी आप सफल बन पाओगे। देखो आपको ना लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज से आप काफ़ी चीज़ें समझ जाओ कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो आपको बॉडी लैंग्वेज आनी चाहिए पढ़ने। देखो जो पहले बंदर थे या जो अभी जो पहले मंकीज थे और अभी के लोगों में क्या अंतर है, अभी हम लोग क्या कम्युनिटी में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हेल्प करते और सोसाइटी ऐसे ही ग्रो होती है। जैसे किसी ने कपड़े बनाए, किसी ने प्रोडक्ट बनाया दूसरे को दिया, किसी ने प्लेन बनाया, एयरपोर्ट बनाया, रोड बनाया, सड़कें बनाई, ठीक है, हम कम्युनिटी में रहते एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी वी आर ए स्मार्टेस्ट स्पीसीज ऑन द अर्थ। बट वन मोर थिंग, द भविष्य के मानव होमोडियस और भी हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, सो प्लीज रिमेंबर दिस। देखो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, डोंट स्टे इन योर कंफर्ट जोन, तभी आप, अगर आप जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आप बड़ी, तब तक आप बड़ी चीज़ें हासिल नहीं कर पाओगे, सो प्लीज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखो और आपको क्या अपने पैशन से पैसे कमाने, जो आप जो भी काम में आपको बहुत पैशनेट हो वो काम को आप पैशन बनाओ और उससे पैसे कमाओ, तो काम में परम आनंद मिलेगा। अगर आप अपने नौकरी करते हो तो आपको एक साइड बिजनेस लेना ताकि इनकम आपकी बढ़ जाए, और आपने
जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करो उसको अच्छे से मार्केटिंग करो, अपनी भी मार्केटिंग करो, बताओ आप कौन हो, आपका बिजनेस क्या है। देखो मिलियनेयर फास्ट लाइन MG डिमार्को ने लिखा है, द फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी। तो इसका मतलब कि आप ऐप बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, एसेट्स खरीदो, प्रॉपर्टीज खरीदो। द फास्टेस्ट वे, अगर किसी ने आपने ऐप बना दी, कोई वेबसाइट बना दिया, कोई प्रोडक्ट को सेल कर दिया, कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया, लोगों की प्रॉब्लम बड़े इस लेवल पे अगर सॉल्व कर दी, तो आप बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मिलियनेयर बन सकते हो। इट्स इज़ वेरी इजी इन टूडेज सेंचुरी, 21st century। देखो आप नोवल रविकांत है, दिस इज द अमेजिंग पर्सन, तो आपको जरूर इन्हें फॉलो करना चाहिए। देखो आपको ना ये भी आना चाहिए कि हाउ टू लव विद समबडी, विद योर फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद योर लव वन, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए अपने छोटे भाई भाई बहन माता पिता सबसे। देखो आपको ना पॉजिटिव सोचना है ताकि आप लाइफ में अच्छी चीजें अचीव कर पाओ, और आपको अच्छे से क्या पब्लिक स्पीकिंग करनी है, बार बार बोलो स्पीकिंग, तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जो चीज में वीडियो में बार बार रिपीट कर रहा हूँ और वो सारी बुक्स में बताई जा रही है, ये मैंने जो नोट्स बनाई थी कॉलेज डेज पे, वो सबको मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो जो चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो समझ लेना दिस इज सारी बुक्स में बातें कही गई है या जिक्र करी गई है, तो वो बातें को आप लिख लो। अच्छा, और आप कमेंट सेक्शन में भी डाल देना ताकि लोगों के लिए और भी इजी हो जाए कि मैंने क्या क्या बातें इस वीडियो में शेयर करी है। देखो एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट। इसका मतलब ए स्टूडेंट जॉब लेते हैं और जो सी स्टूडेंट होते हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ए स्टूडेंट जॉब लेते हैं प्रोफेसर या कुछ भी, उसकी सैलरी कितनी होती है मान लो 1,00,000 से कम, और जो सी स्टूडेंट है जो कॉलेज का बैक बेंचर है वो डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर लेता है और ही अर्न मोर, उससे भी ज़्यादा कमाता है और ए स्टूडेंट के अंदर में जॉब करता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है सिंपल शब्द। देखो आप 1,000 little things टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तो आपको अपनी जिंदगी के 1,000 steps लेने हैं ताकि आप पहलू को बदलो, ताकि क्या क्या चीज़ें आपकी कमी है, जो कमजोरी है आपके लाइफ में, उसको इम्प्रूव कर पाओ एंड सफल बन पाओ। आपको 365 दिन में हर रोज इम्प्रूव करना है। अगर आप एंटरप्रेन्योर से तो आपको ये सोचना है कि कम से कम चीज़ों में आपको कैसे सफल बनना है। देखो नो मोर मिस्टर नाइस गाय, जितने भी जो मिस्टर नाइस गाय हो उसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स रिजेक्ट करती है, समझ रहे हो। तो आपको उतना भी नाइस गाय, यस यस मैम, यस सर नहीं बनना, एक थोड़ा वो लाओ अपने अंदर। और ज़्यादातर मिस्टर नाइस गाय लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है, या उससे काम करवाया जाता है या कुछ भी, या होमवर्क या कुछ भी, तो आपको नाइस गाय नहीं बनना, अच्छे बनो पर नाइस उतने भी अच्छे मत बनो कि लोग आपका फायदा उठा सके। देखो जो आपका ब्रेन, ब्रेन क्या है, अभी आप अपने हाथों को उठा रहे हो, अपने पैर को चला रहे हो, ये सीधा सिग्नल आ रहा है आपके माइंड से, तो जो भी आप अपने माइंड में फीड करोगे वही आप एक्शन लोगे। सो थिंक बिग एंड पॉजिटिव एंड टेक मैसिव एक्शंस एंड अचीव बिग गोल्स इन योर लाइफ। देखो हर चीज़ क्या इम्पॉसिबल लगती है जब तक आप स्टार्ट नहीं करते, जब आप करते हो तो बहुत ईजी लगती है। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को सबसे पहले करना है आपके लाइफ में, जो भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको जरूर करें। और देखो इस लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं आप खुश रहने की, 1,000 चीज़ें जिससे आप खुश रह सकते हो, तो ढूंढो। ये नहीं कि आप मान लो आपके पास करोड़ों रुपए फिर भी दुख में हो, क्या 1 करोड़ है 2 करोड़ यार, बहुत पैसे है आपके पास, तो खुश रहो और अपने डे को इन्जॉय करो। देखिए जो आपका एज है डजेंट मैटर, पर आप इम्पैक्ट क्रिएट करो। अगर आपको कुछ आता है तो अपने जूनियर्स को बताओ, जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपकी मिस्टेक्स है, अपने जूनियर्स को बताओ, उन्हें एजुकेट करो ताकि उनका फायदा हो जाए। देखो द पावर ऑफ रिग्रेट, तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना, जो भी आपके मन में आए वो जरूर करें। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो जरूर करें, अगर आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, एजुकेशन लेना है, तो जरूर करें।
और आपको तो कभी बेबी बॉय नहीं बनना, चाहे छोटी छोटी चोट लग गई तो बेबी बॉय बनो। देखिए डेविड गॉगिंस जिन्होंने लिखी कांस हार्ट में अमेजिंग बुक हो, छोटी चीज़ों के रोओ मत, या कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो उसके लिए रो मत, सर नहीं पीजिए, अपनी लाइफ में मूव ऑन। क्या पता वो गर्ल आपके लिए बनी ही ना हो। थैंक यू सो मच, आप अभी तक इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं इस सारी बुक्स का Amazon लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, और आपको जिन लोगों को भी ये बुक्स परचेज करनी है, बाय फ्रॉम इट एंड आप सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल। मैं आपका दोस्त गणपति राम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँगा और आपको एजुकेट करता रहूँगा।